हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आस्की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे एफटीपी के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे, समझेंगे कैसे एफटीपी प्रोटोकॉल वर्क करती है, क्या उसके फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से एफटीपी प्रोटोकॉल का हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं। तो एफटीपी एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। फाइल का मतलब है कोई भी ऐप फाइल आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उस टाइप की वो प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं। प्रोटोकॉल इज़ ए सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइन हाउ टू फ्लो डेटा इन ए नेटवर्क। एक ऐसा रूल होता है जिसमें जानकारी बताई जाती है कि किस तरीके से डेटा जाएगा या आएगा एक नेटवर्क के अंदर। दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से अगर कनेक्टिविटी में है तो किस तरीके से डेटा फ्लो होगा, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे वर्क करेगा, वो सभी एक प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एफटीपी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल ट्रांसफर या डाउनलोड करने में आपकी मदद करेगा। तो आप जितना भी प्रोसेस करते हैं ऑनलाइन में, फाइल ट्रांसफ़र करना, डाउनलोड करना, यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर दिया, वो सभी एफटीपी के थ्रू ही किया जाता है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है जो कि ट्रांसफ़र करने की मदद करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कोई भी जो डेटा आप अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी ट्रांसफ़र होता है वो सब इसी के थ्रू किया जाता है। अब इसमें जो एफटीपी है जो वर्क करती है वो एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल पर वर्क करती है। एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल डाउनलोड या अपलोड करते हैं। तो आपने ज़्यादातर जब भी देखा होगा कोई भी फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो किसी ना किसी की एप्लीकेशन की मदद से होती है। जैसे YouTube पे अगर आप करते हैं तो YouTube में एक अपलोड का ऑप्शन मिलता है आपको, तो वहाँ से क्लिक करते हैं तब अपलोड करते हैं। ऐसी कोई भी फाइल, मूवीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी होती है, कहीं से भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन अलग से दिया जाता है, देन आप डाउनलोड कर पाते हैं। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट एफटीपी सर्विस हर एक कंप्यूटर के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से ये डाउनलोड करनी पड़ती है। एफटीपी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं सारी की सारी आपको पहले से इंस्टॉल की जाती हैं। जब आप नेटवर्किंग में इसको अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एफटीपी वर्क करती है। अब ये वर्क कैसे करती है उसको समझ लेते हैं। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक वो कंप्यूटर होगा जो सर्विस लेना चाहता है एफटीपी की और दूसरा होगा जो सर्वर होगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो सिस्टम है, जब आप यूट्यूब से कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप उसकी क्लाइंट हैं और यूट्यूब एक सर्वर है जो कि आपको सर्विस दे रहा है, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है डाउनलोड करने की, तो उसे बोलेंगे सर्वर और आप हो गए हैं उसके लोकल होस्ट। इस तरीके से आप समझिएगा। तो आप एक लोकल होस्ट हैं जो कि एफटीपी पे है और दूसरा जो एक सर्वर है जो एफटीपी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो यूट्यूब है। आप इस तरीके से इसे समझिएगा। तो यहाँ पर एक सर्वर हो गया और एक होस्ट हो गया जो उसे यूज़ करेगा। इन दोनों के बीच में ही आपने देखा होगा जब भी आप YouTube से कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो को या अपलोड करते हैं या देखना भी चाहते हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ता है। तो एफटीपी को वर्क कराने के लिए आप एक नेटवर्क में होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंटरनेट में जरूरी है कनेक्ट हों या फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए अगर आप लोकली कोई डेटा को ट्रांसफ़र या अपलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एफटीपी जो वर्क करती है वो वाया इंटरनेट या नेटवर्क में वर्क करती है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिस्टम हो सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम कोई ना कोई एक सर्वर होगा जहाँ से आप सर्विस लेंगे और बाकी अदर सिस्टम्स जो हो सकते हैं वो क्लाइंट हो सकते हैं जो कि सर्विस लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल्स को। अब जान लेते हैं किस टाइप की फाइल्स डाउनलोड की जाती हैं। फाइल्स कोई भी हो सकती हैं, MP4 फाइल भी हो सकती हैं, बेसिक एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं या फिर नोटपैड की फाइल भी हो सकती है। फाइल कोई भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, एफटीपी के थ्रू ही डाउनलोड की जाएगी। दोस्तों, जान लेते हैं कि एफटीपी क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या यूज़ है। एफटीपी ही है जिसके थ्रू आप एक इंटरनेट के अंदर कोई भी फाइल डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं या फिर उसका बैकअप बना सकते हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्या इसका रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमारे पास बैकअप का। एफटीपी के कनेक्शन की सहायता से आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं उसका बना के नेटवर्क के अंदर में। तो ये बैकअप का ऑप्शन जो आपको डाउनलोड या अपलोड करने का दिया जाता है वो आपको एफटीपी के थ्रू मिलेगा। सेकंड आता है रेप्लिकेशन। आप सिमिलर बैकअप्स उसके बना सकते हैं, एक डेटा दूसरी जगह पर सेम जगह पर आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर सेम रेप्लिके बना सकते हैं उसका। तो यहाँ पर एक तरीके से आप उसको अलग अलग डेटा को एफटीपी की हेल्प से क्लोन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नेक्स्ट मिल जाता है हमें वो होता है एक्सेस करना और डेटा की जो लोडिंग स्पीड है वो किस टाइप की मिलती है। एफटीपी बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है,
FTP की जो सर्विस है वो भी बहुत फास्ट होती है। तो अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसकी सर्विस को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। पहला तो ये मिलेगा, आपको एक्सेस बहुत ईजीली मिलेगा, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत ईजीली डेटा को शेयर कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्लस वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और डेटा जब आप FTP के अंदर में जब आप डेटा को एक्सेस करते हैं तो भी बहुत लोडिंग की जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक बेसिक एक जो मेरा लैपटॉप है मैंने उसको एज ए क्लाइंट एक डेटा को शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल है, उसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने उसे शेयर कर दिया है। शेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको, शेयर करने के बाद जैसे ही आप शेयर कर देते हैं तो जहाँ से भी आपका एक क्लाइंट है जिसको भी वो फाइल एक्सेस करनी है उस सिस्टम पे आप जाएंगे। उस सिस्टम पे जाने के बाद आपका जो सर्वर है, सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को आप विंडो प्लस आर करने के बाद वहाँ पर रन आ जाएगा। तो वहाँ पर आप स्लैश आप वहाँ पर देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये आपको स्लैश आपको इसमें इंसर्ट करना है, प्लस आईपी एड्रेस डाल देना है उस सर्वर का जहाँ से आप फाइल एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, क्योंकि फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में जो मैं दिखा रहा हूँ उस सिस्टम पे भी एक पासवर्ड लगा हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पर एक्सेस करते हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पर भी वही यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो आपको लोकल सिस्टम का यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देना है। देन जैसे ही वो पासवर्ड आप करेक्ट एंटर करेंगे तो आपके सामने जो एक स्क्रीन है उसमें जो भी आपने फाइल शेयर की थी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो FTP के आपके पास बहुत सारे क्लाइंट भी अवेलेबल हैं जो कि ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फाइलज़िला है। ऐसी मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको एंड्रॉयड के अंदर तो मल्टीपल मिल जाते हैं, जैसे शेयर चैट है, अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जहाँ से आप कोई भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको FTP के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कुछ नया आपको बताएंगे, कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप नया कुछ सीखते रहेगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसमें पूछिए, जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।